जावेद भाई ये देखिए पॉइंट्स टेबल, भारत के 4 पॉइंट्स 4 मैचों में, 6 पॉइंट्स, बांग्लादेश के 4 मैचों में 4 पॉइंट्स, जिम्बाब्वे के 4 मैचों में 3, पाकिस्तान के 2 मैच बाकी हैं लेकिन पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स हैं और नेदरलैंड के भी 2 पॉइंट्स हैं। क्या कहेंगे जावेद भाई? फर्स्टली टीम जो है वो उनके तो बहुत बड़े बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। बांग्लादेश का भी चांस नहीं, नहीं वो 6 देखें बांग्लादेश का अगर वो 2 जीत राइट मतलब एक, इस एक वक, बाकी है बांग्लादेश एक, का एक है तो 6 इनके होते हैं, 6 ऑलरेडी ऊपर हैं राइट, तो वो जीते हैं 8 पे जाते हैं, ये 7 पे जाते हैं। बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को हरा देगा तो पाकिस्तान ही बाहर हो जाएगा ना जावेद भाई, 6 हो गए तो। वही मैं कि पाकिस्तान को सारे मैच जीतने हैं ठीक है। अहमद क्या कहेंगे? जितने भी 3 है नीचे इनका तो नहीं, पाकिस्तान को जो है वो सारे मैच जीतने हैं। अहमद क्या कहेंगे? नहीं पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस भी जीतता है तो उसके 6 पॉइंट होते हैं ना। इंडिया ऑलरेडी 6 पे खड़ा है और उसका रन रेट हमसे बेहतर है। अगला मैच उसका है जिम्बाब्वे से ठीक है, बढ़ा सकता है ठीक है, वो अपना रन रेट बढ़ा सकता है, हल्का मैच है। और अगर साउथ अफ्रीका देखें तो वो ऑलरेडी जो है ना 5 पॉइंट पे खड़ा है, उनके 2 मैचेस हैं, एक अभी पाकिस्तान से है, दूसरा भी उनका पता पड़ा है नेदरलैंड से ठीक है। तो उसके पास चांसेस है कि अगर पाकिस्तान उनको हरा भी देता है तो नेदरलैंड को हरा कर के हो जाएंगे 4, तो वो नेदरलैंड को हरा के 7 में पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये बड़ा जो है ना खुला ही काम क्लियर है, लेकिन अब दुआएं अपना काम कर सकती हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, लोग दुआएं कर रहे हैं।